नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार चौकी में एक शादीशुदा महिला से जबरदस्ती का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शादीशुदा महिला पर पड़ोसी अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। महिला के द्वारा मना करने पर पड़ोसी ने मारपीट करते हुए महिला को जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें, पड़ोसी की हरकतों से तंग आकर महिला ने मनगवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पड़ोसी ने महिला की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पीड़िता रीवा महिला थाने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि वह घर में अकेली रहती है, उसके पति व परिवार के लोग बाहर काम करते हैं। पड़ोसी युवक के द्वारा महिला पर दबाव बनाया जा रहा था। पूरे मामले पर मनगवा थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है और मारपीट की गई है, उस पर कार्यवाही की गई है और दोनों ही पक्ष के लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर पीड़िता को और थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके को, उनका क्या कुछ कहना है। सर, हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, जो कि हमारे घर का पड़ोसी है, वो विनोद कुमार नट है और उसके पिता का नाम कृष्ण कुमार नट है। उसके भाई, दो और भाई हैं, प्रमोद कुमार नट, मनोज कुमार नट, वो भी हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और घर में अकेले पाकर हमें मारने के लिए आए थे। और हमारे पति नहीं है घर पे, ना सास ससुर हैं, कोई भी नहीं है। हमें अकेला समझ के हमें और हमारे देवर को, दोनों को मारने के लिए आए थे। इसकी शिकायत मैं की थी यहाँ मनगवा थाने पे भी की थी, वहाँ से मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ है मैम सर। और ऊपर से यहाँ मतलब मुझे बोला जा रहा है, घर पे जब मैं आती हूँ तो मुझे बोला जा रहा है कि ये लोग मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं पैसे दिला दिया हूँ उधर थाने में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कर लो जो करना है तुम्हें। मारपीट की वजह क्या है? मारपीट की वजह सर यही है बस, मतलब मेरी फ़ोटो अपलोड कर रहा है, ये फालतू फ़ोटो मेरे फ़ोन से लेके फालतू फोटो मेरी अपलोड की जा रही है और मैं मना करती हूँ कि मत करो मेरी फ़ोटो अपलोड, तो सर ये लोग नहीं मान रहे हैं, बोल रहे मेरे साथ संबंध बना। उसकी माँ भी बोल रही है कि तुझे बच्चे नहीं हो रहे तो मेरे बेटे के साथ मतलब संबंध बना ले, जबरदस्ती करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी उसे घर में सभी लोग को पता था सर। फोटो भी आपकी जी वायरल किया? जी, मेरी फ़ोटो भी वायरल कर रहे हैं लोग और मना करती हूँ तो बोलते हैं कि जब तक तू मेरे साथ एक रात बिताएगी नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं अपलोड करना। जी, क्या चाहती हूँ? मैं कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहती हूँ सर। मनगवा थाने जब आप गई थी तो क्या वहाँ पे ये सारी शिकायतें आप बताई थी? मैं वहाँ पे सारी शिकायतें बताई थी, मेडिकल के लिए भी बोली तो उन्होंने कुछ कार्रवाई आगे नहीं की, बोले कि चौकी आना है, चौकी दूसरे दिन बुलाया नहीं, मैं खुद से चल के गई थी। फिर आप महिला थाने आ जाएंगे क्या? जी, इधर से भी अब बोला जा रहा है कि अपना मतलब जो कुछ भी है इधर जमा करो, जिसकी गलती आएगी उसका देखा जाएगा सर, यही बोल रहे हैं इधर भी। आवेदन की थी पहले आप महिला थाने में? नहीं, इधर मैंने की थी, मैं भी दो दिन बाद पहले आई थी मैम सर इधर। जी, वीडियो सोशल मीडिया पर मारपीट का वायरल हो रहा है और महिला के द्वारा जिस प्रकार मारपीट हो उसके द्वारा बताया गया कुछ आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया में अश्लील फोटो भी उनकी वायरल की गई है, महिला क्या बिल मामला है? एक मैटर हमारे मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो चौकी है मनिकवार वहाँ का था, उसमें दो पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया था किसी बात को लेकर और उसकी जो जांच अभी जो है हमारे सब इंस्पेक्टर जो वहाँ पे चौकी प्रभारी उनको दी हुई है, दोनों पक्षों को बुलवा लिया है। हो सकता है एक पक्ष उससे हो सकता कार्रवाई से असंतुष्ट हो और यहाँ आया होगा वरिष्ठ कार्यालय के, तो उसमें अभी जांच जारी है, जो भी है उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो मारपीट की जो बात कह रहे हैं, ये शायद 12 तारीख को ऐसा उनका ये था कि मारपीट हुई है, दोनों पक्षों को वहाँ पर बुलवा लिया था, उसमें जो कार्रवाई हो गई है और जो कुछ शेष कार्रवाई रही होगी वो करवा देंगे। अब ये तो हर पक्ष यही कहता है, जो असंतुष्ट होता है या जिसको जो गलत भी होता है और वो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है, जो न्याय संगत कार्रवाई होती है वो हमेशा पुलिस कर देती है। इस प्रकरण में भी अगर फरियादी या वहाँ चौकी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो एक बार मैं पुनः अपने पास बुलाकर दोनों पक्षों के उसको मैं समझ लूँगा और जो भी उसमें गलत होगा या जो भी वैधानिक कार्रवाई वो मैं करवा दूँगा।